फिश करी बनाने के लिए फिश को वॉश करें, नमक और सिरके के पानी से लगाने के बाद वॉश करें, ड्राई करें। लहसुन, नमक, चिली फ्लेक्स और ज़रा सा बेसन लगा के इस तरह की कोटिंग करके मैरिनेट करके छोड़ दें आधे घंटे के लिए जी ग्रेवी। इसके लिए अनियन को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे और कुछ मसाले डालेंगे, टमाटर प्यूरी और दही। ये जा रही है थोड़ी सी कलौंजी, कलौंजी का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है गाइस। अगर आप चाहें तो डाल दें, कीमत 90 भी है, अगर नहीं डालना चाह रहे तो ना डालें। दो फ्रोजन टमाटर थे, मैंने इनको पानी में डिप किया, इसका छिलका उतार के बनाते हैं प्यूरी। इतने से प्याज हो चुके हैं, इसमें इतना टीस्पून हम लहसुन डाल रहे हैं, इतना ही हमने मैरिनेशन में डाला था तो इसलिए हमने ज़्यादा नहीं करना। बन चुका है फ्रेंड्स जीरा और धनिया का पाउडर मिक्स। ये थोड़ा सा आपको गर्म मसाला आ रहा है नज़र, और ये आ रहा है आपको चिलीज और ये है टर्मरिक। सॉल्ट हम नहीं डाल रहे, सॉल्ट फिश में पहले डाल देते हैं जो सेलर होते हैं, तो इसलिए आपने एंड में चखते हुए डालना, वरना आपकी फिश करी जो है टू मच सॉल्टी होती है। टमाटोज की स्किन मैंने पील करके इसको डाल दी है और इसी में पेस्ट बना रही हूँ मैं ग्रेवी, क्योंकि हम दोनों लोगों ने खुद ही खानी है। अगर आप चाहें गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो आप इसको मिक्सर में ब्लेंड कर सकते हैं अनियन और टमाटो को, वो भी ठीक है, लेकिन मैं इस तरीके से कर रही हूँ। जा रहा है दही जिसमें मैंने हरी मिर्चों को भी पीस दिया था, और आप ग्रेवी की फाइनल लुक दिखाते हैं। स्टेप पर हम करेंगे फिश की ट्रीटमेंट, इसको थोड़ा सा यहाँ पर पैन फ्राई करेंगे। मेरे पास है सरसों का तेल जो इसके फ्लेवर को बहुत एनहांस करेगा गाइस। मैं एक एक स्लाइस अपने बोल से उठाऊंगी और इसको इसके अंदर प्लेस कर देंगे प्यार से, ठीक है जी। ऑयल को इसमें स्प्रेड कर सकते हैं और फ्लेम को आपने लो रखना है जब तक इसकी कोटिंग फर्म नहीं हो जाती। ये देखिए, ये काम आप नॉन स्टिक में भी कर सकते हैं, ज़बरदस्त अरोमा निकला गाइस, आई कांट टेल यू, बिलीव मी। ये दो लोगों के लिए करीब बन रही है जी, और इसमें 4 पीस मैंने चूज़ किए थे, बाकी फिश को मैं कर दूंगी मैरिनेट। जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो कुकिंग का होगा फिश फ्राइड का। इसे अभी छेड़ना नहीं है, प्यार से इसको टर्न ओवर करेंगे आफ्टर 2-3 मिनट्स। पहले स्लाइस डाला था उसे पहले फ्लिप ओवर करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, यही कलर डिज़ाइड मुझे चाहिए था। ये स्टेप हम क्यों करें, हम इसलिए कर रहे हैं कि आपकी फ़िश जो है वो फर्म हो जाए और करी में जो है वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हुए ना ऑफिस स्मैश हो जाए और पते ना चले जी के भुरखा बनाया था या फिश करी बनाई गई। ये स्टेप मैंने यूपी की फैमिली से सारे सीखे थे, जो कि बचपन में मेरे नेबर्स थे, मेरे डैडी के कुलीग थे वो अंकल सभी साथ, उनकी अम्मी बनाया करती थी, वो लोग यूपी से थे, इंडिया से बिलोंग करते थे। तो ये जो रेसिपी स्टैंडर्ड पास ऑन होती जा रही हैं वही ऑथेंटिक रेसिपीज होती हैं गाइस। अब आप लोग पता नहीं कैसे बनाते होंगे, आई डोंट नो। अगर आप ये स्टेप करते हैं तो नहीं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ अच्छी नहीं है आज भी, हेडेक है और डिस्टर्ब स्लीप है आफ्टर उमरा। ये मेरा पहला कुकिंग ब्लॉग था, क्योंकि अभी तक तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद से मुझे खाना भेजा था। ये मेरी पहली कुकिंग है, देखिए टुडे आई विल टुमारो आई शल बी मोर बेटर। यहाँ पर मैं फ्लेम को 2-3 मिनट्स के बाद ऑफ कर दूँगी, जो फिश को कुक करने का पर्पज़ नहीं है। फिश कुक होगी ग्रेवी में, जो कि अभी थिक हो रही है स्लो फ्लेम के ऊपर। तो इसको इस तरह करने का मकसद ये है कि फिश का वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाए, फॉर्म हो जाए और एक बेटर लुक के साथ करी में हमें नज़र आए। ग्रेवी थिक होकर पेस्ट की फॉर्म में आने वाली है। अगर आप ये काम प्रोसेसर में कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा भी होगा और जल्दी भी होगा, क्योंकि मेरी आज तबीयत जैसा कि है, मुझे बहुत ज़्यादा बर्तन धोने पड़ेंगे, मेरी मेड भी ऑफ है, तो मैं इसको स्टोव के ऊपर ही कर रही हूँ। ज़बरदस्ती ग्रेवी प्रिपेयर हो चुकी है गाइस, और ये देखें ऑयल इसके ऊपर आ रहा है। फ्राइंग में जो तवे पर सरसों का ऑयल था 1 टेबल स्पून, वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। और इसके बाद थोड़ी देर बाद हम इसमें ये वाली जो मेरी फिश फ्राई हुई हुई है उसी बॉल में मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी और लो फ्लेम पर 5 मिनट तक हम इसे कुक करके टेंडर कर लूँगी। आई हैव प्लेस द फिश स्लाइसेस ओवर हियर। यहाँ पर आपने काम ध्यान से करना है कि इसको बहुत छेड़छाड़ नहीं करनी, वरना आपकी फ़िश जो है वो ब्रेक हो जाएगी। इतना सा पानी इसमें चला गया और आपने इस तरह करके इसको पैन शेक करके इसको करना है मिक्सिंग, और अभी तक मैं चम्मच नहीं लगा रही और आई एम गोना कवर इट ऑन मीडियम लो फ्लेम फॉर 5 मिनट्स। इंशाल्लाह से फिश करी इज रेडी, और मेरे सालन में ऑयल आपको कम ही नज़र आएगा गाइस। आप चाहें तो जितना मर्जी ऑयल डालें, बट दिस इज़ अनहेल्दी। टेक केयर, बाय बाय।